आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट स्पीकर को वापस क्यों नहीं भेजा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने सेक्रेटरी को हटा दिया। वकार अहमद की खिदमात की मजीद जरूरत नहीं, खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस की जाती हैं। सदर ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ग्रेड 22 की ऑफिसर हुमैरा अहमद को अपना सेक्रेटरी तैनात करने की सिफारिश की। सदरे मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपने सेक्रेटरी की खिदमात वापस करने के लिए खत लिख दिया। ऐवान सदर ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम खत में लिखा कि कल के वाज़े बयान के पेश नजर ऐवान सदर ने सदरे मुमलिकत के सेक्रेटरी की खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी है। खत में कहा गया कि सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात की मजीद जरूरत नहीं, इनकी खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस की जाती हैं। ऐवान सदर ने खत में मजीद कहा कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 22वें ग्रेड की ऑफिसर हुमैरा अहमद को सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी के तौर पर तायुनात किया जाए। सदर आरिफ अलवी ने इतवार को ऑफिशियल सीक्रेट तरमीम बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीम बिल 2023 पर दस्तखत करने की तरदीद करते हुए कहा था कि उनके अमले ने उनके हुक्म के खिलाफ काम किया।